बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आप के दफ्तर को घेर लिया और हाथ में पोस्टर लेकर अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बैरिकेटिंग कर सुरक्षा सख्त कर दी है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता बैरिकेटिंग पर चढ़ गए। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा अन्य भाजपा नेताओं के साथ यहां पहुंचे। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वीरेंद्र सचदेवा को चोट लग गई। इसके बाद दिल्ली पुलिस बड़ी संख्या में एकत्र हुए और कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया। बीजेपी कार्यकर्ता यहां से आपके दफ्तर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। बता दें, बीजेपी कार्यकर्ताओं के हाथ में जो पोस्टर हैं, उस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ स्लोगन लिखे हैं। साथ ही उस पर मुख्यमंत्री केजरीवाल का फोटो भी है। उनकी मांग है कि जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती, इसलिए सीएम केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि सीएम केजरीवाल को झूठे केस में फंसाया गया है, वो जल्द ही जेल से बाहर आएंगे, इसलिए सीएम अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे और वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। बता दें, सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च की शाम को शराब घोटाले मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था और 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। तब से केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। सीएम केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की, जिस पर 9 अप्रैल को हाईकोर्ट ने सुनवाई की और अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी और हाईकोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी है।